नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत शुभकामनाएं। बोर हो गए होंगे ना आप लोग, घर पे उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलॉसफी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ वो बन के, वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसे कैसे बनी दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम, मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब, इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई, तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना 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 ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आँखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी। तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपनी विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था ब्रह्मचर्य का, मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पर मैंने एक फिल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती हुई सी स्टेटमेंट दे लिखती कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस होते हैं। और उससे जो है आपकी एनर्जी को, अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। और अब 5वें दिन मेरी और रंगोली की एनर्जी भी थोड़ी लो आती जा रही है, क्या कहती हो रंगू? बहुत लो है आज। तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। कट।